कर्म बड़ा या भाग्य, कर्म और भाग्य में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर दुनिया में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। नारद मुनि की जिज्ञासा भाग्य और कर्म के इस अनूठे रिश्ते को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, और कपटी और दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। सब नियति है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी फिर भी नहीं माने और बहस करने लग गए कि मैं पृथ्वी पर सारा मंजर देख कर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। गाय को किसने बचाया? नारद मुनि ने फौरन जवाब दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी ना था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्धा होकर भी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया, लेकिन आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताइए, ये कौन सा न्याय है? विष्णु भगवान का जवाब। भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हे ऋषि नारद, ये सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे भगवान? तो विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था, लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि को मिला जवाब। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।